हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार, आपका मोबाइल चाहे कितना भी सस्ता हो या फिर कितना भी महंगा हो, सभी को अपना अपना मोबाइल जो है या फिर स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आपको अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जो है आपको आपका फ़ोन चलाने में बहुत ही आसानी होगी। मतलब आपको जो है कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है सीधा अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर ही जो है अपने मोबाइल के अंदर की जो भी चीज़ है, मतलब रैम है या फिर आपकी रैम का टेम्परेचर कितना है आपके स्मार्टफोन के अंदर या फिर बैटरी परसेंटेज कितनी है या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो है वो आप अपने लाइव वॉलपेपर पर ही देख सकते हैं। आपको किसी भी सेटिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो यार, अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस ऐप के बारे में मैं बात कर रहा था उस ऐप का नाम है डिजिटल क्लॉक। तो यार, ये जो है ऐप का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अगर आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको जो है ये ऐप भी वहाँ पर आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो है सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर जो है इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये ऐप जो है प्रीमियम है, मतलब ये ऐप जो है आप पेड है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सारे फीचर दिए गए हैं, इसीलिए ये ऐप जो है वो पेड है। लेकिन जो है आपको यहाँ पर ट्राई लिमिटेड वर्जन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको ये सभी ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपको सिंपली से पहले सबसे पहले सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है आप चेंज करके देख सकते हैं, मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट का कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने ये जो टेक्स्ट का कलर है ये नीला कर दिया है। यहाँ पर जो है सभी की सभी चीज़ें जो है वो टिक मार्क करी हुई है, तो आपको जो है इसे ऐसे ही रख लेना है। उसके बाद जो है आपको सिंपली से बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऊपर की तरफ लाइव वॉलपेपर का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सभी के सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद जो है आपको सिंपली से इसे अप्लाई कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो आपको जो है आपकी होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेरा जो एक ऐप है ये यहीं पर है, तो ये ऐप को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको आपके वॉलपेपर ही देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरी बैटरी परसेंटेज या फिर मेरी बैटरी की लेवल, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर होल्ड कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि कंपास भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस वॉलपेपर को अगर यूज़ करना है तो आपका जो होम स्क्रीन है उसे आपको पूरी तरह से क्लियर कर देना होगा, मतलब उस पर कोई भी ऐप यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, तभी ये जो है इस तरह से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा। यहाँ पर जो आपको कंपास भी देखने को मिल जाएगा और ये कंपास जो है वर्क भी करता है। अगर मैं अपना मोबाइल हिलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कंपास भी हिल रहा है। उसके बावजूद आपको जो है यहाँ पर रैम यूसेज भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो है आपको स्टोरेज यूसेज भी कितनी है ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। या फिर अगर आपके जो स्मार्टफोन में अगर कोई SD कार्ड यहाँ पर दी गई है तो उसकी स्टोरेज भी कितनी है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में ऊपर की तरफ जो है आपको और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब सेंसर डिटेल या फिर आपको कौन सा सेंसर है या फिर आपका मॉडल नंबर क्या है, मतलब आपके स्मार्टफोन का मॉडल नंबर क्या है, और भी कई सारी चीज़ें जो है आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यार दोस्तों, अगर आप जो है कोई लो बजट फ़ोन यूज़ करते हैं और अगर अपने दोस्तों को चौंकाना चाहते हैं या अगर आप जो है अपने दोस्तों को हैरान करना चाहते हैं इस वॉलपेपर के ज़रिए, तो आप जो है इस ऐप को ट्राई आउट करके देख सकते हैं। फिलहाल तो इस ऐप का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर आप जो है सीधा प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को जो है डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये ऐप जो है आपको अगर अच्छा लगा हो और आप जो है इसे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। और अगर मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो एक कमेंट भी कर सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।